नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। एक गरम स्नान करें या पानी उबाले और एक कटोरी में डालें। कटोरी का सामान रखें, कम से कम एक फुट दूर रखें। अपने सिर के पीछे एक तौलिया रखें और एक श्वास लें। किसी भी समय रुकें और यदि आप असहज है महसूस करते हैं, नोट, अगर अस्थमा के कारण खांसी होती है तो ऐसा ना करें, क्योंकि भाप से लक्षण खराब हो सकते हैं। बलगम को ढीला करने के लिए ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें। खांसी की बूंदे या लोंजिंग एक चिड़ गले को शांत करते हैं, छोटे बच्चों में उपयोग ना करें। खारे पानी का गला गले से बलगम को साफ करता है। रात में अपने सिर को ऊंचा करने के लिए एक अतिरिक्त तकिया का उपयोग करें। धूम्रपान ना करें और सेकेंड हैंड धुएं से बचें। धूल, इत्र या प्रदूषण जैसे सांस की जलन से बचें। शहद का उपयोग करें, यह एक वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों और बच्चों में अकेले उपयोग किया जा सकता है और एक कफ दमनकारी के रूप में कार्य करता है। अदरक की चाय गले की सूजन को दूर करती है। नीलगिरी का तेल बलगम को तोड़ने में मदद करने के लिए भाप्षीकरण में इसका उपयोग करें और अपनी छाती पर मलें।